नमस्कार इंडिया में जी, आपका स्वागत है ब्रेकिंग न्यूज प्रयागराज। सीबीआई ने जेल में बंद पूर्व सांसद अतीक अहमद के भाई अशरफ के खिलाफ शनिवार को राजूपाल हत्याकांड में कुर्की की उद्घोषणा का नोटिस निवास सहित शहर में कई स्थानों पर चस्पा किए। सीबीआई ने नोटिस के बारे में डुगडुगी पीट कर मुनादी भी कराई। वर्ष 2007 में हुई राजूपाल हत्याकांड में अशरफ प्रकाश में आया था, उस समय ये कोर्ट में हाजिर हुआ था। बाद में ये विवेचना सीबीआई में चली गई थी और सीबीआई में ही चार्जशीट भी दाखिल हुई थी। सीबीआई कोर्ट से ये विगत लगभग 3 वर्षों से फरार चल रहा है अशरफ, और जब भी इस प्रकरण का माननीय न्यायालय में विचार चल रहा है। सीबीआई कोर्ट ने उसके खिलाफ 82 सीआरपीसी की नोटिस जारी की थी, उसी के सिलसिले में आज सीबीआई की टीम और स्थानीय प्रयागराज की पुलिस ने मिल करके अशरफ के रहने वाले स्थान पे और आसपास मोहल्लों पे मुनादी कराई गई है। और मुझे पूरा विश्वास है कि इस मुनादी का पूरा असर पड़ेगा और अशरफ जो कहीं छिप के रह रहा होगा उसके बारे में हमें अनुकूल सूचना प्राप्त होगी, जिससे उसकी गिरफ्तारी संभव हो जाएगी। कितने का लगभग इनाम है और कितने मुकदमे दर्ज हैं? देखिए, अशरफ के ऊपर 20-22 मुकदमे लगभग दर्ज हैं और उसके ऊपर 2 लाख रुपये का वर्तमान में इनाम चल रहा है, और लगभग ये 3 वर्षों से कोर्ट में हाजिर नहीं हो रहा है, और हम लोगों के रिकॉर्ड के अनुसार भी लगभग 3-4 वर्षों से फरार चल रहा है। सब्सक्राइब करें इंडिया टाइम न्यूज चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इंडिया टाइम न्यूज अपडेट सबसे पहले आपको मिल पाए।